नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अनोखा वशीकरण लेकर आई हूँ। जी हाँ, एक ऐसा वशीकरण जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और ये वशीकरण इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है। महिला है, पुरुष है, वृद्ध महिला है, वृद्ध पुरुष हैं, जिनके बेटे उनसे रूठ गए हैं, जो उनसे बात नहीं करना चाहते, वो भी अगर ये वशीकरण करना चाहते हैं तो ये इतना सरल है कि वो इसे आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, कोई वशीकरण ऐसा है जो आप कई जगह करवा कर थक गए हैं, पैसे दे देकर परेशान हो गए हैं, तो आपको गुरुजी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो वशीकरण करते हैं वो सच्चे वशीकरण होते हैं। वो वशीकरण इस प्रकार से होते हैं कि वो जो विधि है वो तपस्या करके हासिल की गई विधि है। जो आज विधि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये भी एक तपस्या करके हासिल की गई विधि है। जब जो गुरुजी हैं वो तपस्या करते हैं, उसके बाद उनको ये विधि हासिल होती है। इसीलिए हमारी जो विधि होती है, गुरुजी द्वारा बताई गई जो विधि है, वो बहुत प्रचंड विधि होती है, जिसका कोई तोड़ नहीं होता। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि आज कौन सी सरल विधि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके प्रयोग से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। और वो सरल विधि करने से पहले मैं आपको बता दूँ, तो ये विधि जो आपको करनी है, ये बुधवार और गुरुवार के दिन करनी है। और इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो बस इतनी है कि एक कागज और लाल पेन। बस इसी सामग्री की मदद से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। और आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको इस कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, जिस व्यक्ति को आपने वश में करना है उनका नाम है प्रवीण, और फोल्ड करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे वश में करना चाहते हैं, और एक मंत्र को 5 बार बोलना है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम अस्य कामाख्या मंत्र श्री अक्षय मंत्र। इस मंत्र का आपको 5 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप जैसे ही आप 5 बार करेंगे, और इस कागज को आपको अपने पास रखना है और इस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे वश में करना चाहते हैं। 3 घंटे आप इस कागज को अपने पास रखें, और 3 घंटे बाद आप इस कागज को जाकर जला दीजिए। जी हाँ, जैसे ही ये कागज जलेगा और राख में तब्दील हो जाएगा, जब इस कागज जो है वो पूरी तरह राख बन जाएगा, वो व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। वो चाहेगा कि कैसे भी आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, अपना वक्त आपके साथ व्यतीत करें। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो इस विधि को सही तरीके से कीजिएगा। और जो मंत्र है दोस्तों, वो सबके राशि और नाम के हिसाब से अलग अलग होता है, तो गुरुजी को कॉल करें और अपने राशि और नाम के हिसाब का मंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं, और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं।